हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। हम बात करने वाले हैं जो ये आज इंग्लैंड वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में जो आज ये सेकेंड ODI मैच खेला जाएगा इसके बारे में। तो ये मैच आज शाम को 6:30 बजे से काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टॉल में खेला जाएगा। तो इस मैच के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको पिच रिपोर्ट बताएंगे इस मैच की, और यहाँ पे प्लेइंग इलेवन एंड बैटिंग ऑर्डर बताएंगे। लास्ट मैच का परफॉर्म भी बताएंगे। उसके बाद प्लेयर स्टार्ट एंड रिकॉर्ड भी देखेंगे, और यहाँ पे आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताएंगे और CVC के ऑप्शन भी बताएंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देख ली तो फिर आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पे मिलने वाली है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो सीधे सीधे आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो इस पिच की बात करें दोस्तों, तो इस पिच पर वुमेंस ODI के टोटल 12 मैच खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 8 बार, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 4 बार मैच को वॉन किया है। तो कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को एडवांटेज है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें तो 240 का रहा है जो वुमेन के ODI मैच खेले गए हैं उसका। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा। अगर आप हाईएस्ट स्कोर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, इंग्लैंड वुमेन ने 373 बनाया है इसी वेन्यू पर। लोएस्ट स्कोर भी इंग्लैंड वुमेन ने 196 बनाया है। तो यहाँ पे आप स्कोरिंग पैटर्न देख लेते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरह की पिच है, क्या स्कोर रहा है इस मैच पे। तो 200 से लेके 249 के बीच में 9 बार स्कोर बना है। तो लगभग ज़्यादा बार स्कोर अगर आप देखेंगे तो 9 बार 200 से लेके 249 के बीच में ही रहा है। तो आपको एक बार फिर से एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है 200 से 250 के आसपास। अगर इंग्लैंड टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो फिर आपको 300 के आसपास भी स्कोर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन की प्लेइंग इलेवन के बारे में। तो यहाँ से इनकी प्लेइंग इलेवन की बात करें तो टमी बेमाउंट ओपन करेंगी, उनके साथ आएंगी इम्मा लैम्ब। लास्ट मैच का परफॉर्म भी आप देख के चलें इनका। लास्ट मैच में टमी बेमाउंट 1 रन बनाया, पर अच्छी प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर बात करें, इम्मा लैम्ब ने काफ़ी बेहतरीन खेला लास्ट मैच में, 102 रन बनाए। उसके बाद 2 ओवर की बॉलिंग भी डाली थी इन्होंने, जिसमें विकेट नहीं मिला, तो एक अच्छी प्लेयर है। उसके बाद सोफिया डंकली है, इन्होंने लास्ट मैच में 22 बनाए। उसके बाद नेटला सेसिवन है जो अच्छी ऑलराउंडर है, 55+4 विकेट इनको मिले लास्ट में। उसके बाद हैदर नाइट हैं, कप्तान अपनी टीम की, 20 रन बनाए इन्होंने लास्ट में। उसके बाद डैनियल वॉट हैं, 14 रन बनाए, 14 नाबाद बनाए इन्होंने। उसके बाद एमी जॉन्स हैं, इनकी बैटिंग आई पर तब तक स्कोर चेस हो चुका था, तो इन्होंने लास्ट में 0 बनाए। उसके बाद कैथरीन 0 बना के नाबाद रहीं। उसके बाद कैथरीन ब्रूंट हैं, 3 विकेट मिले इनको लास्ट में, बैटिंग नहीं आई पर ये बैटिंग भी कर लेती हैं। उसके बाद सोफी एस्टोन है, लास्ट में 1 विकेट मिला, अपने टीम की मेन बॉलर हैं। उसके बाद केट क्रॉस हैं, इनको भी 0 विकेट मिला। दोस्तों ये जो आप रेड टेक देख रहे हैं तो मैंने उन प्लेयर के आगे लगाया है जो पूरे ओवर कराने के चांसेस रखते हैं, तो आप यहाँ से समझ लेना। उसके बाद चार्लिन डीन है, स्पिनर बॉलर है, अच्छा करती हैं ये भी, लास्ट में 1 विकेट मिला, ये भी अच्छी प्लेयर है। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लें यहाँ पर, अगर इनमें से कोई खेलता है तो वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, पर अभी चांसेस कम है। अगर कोई खेलता है तो वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा लेना है या नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेयर स्टार्ट एंड रिकॉर्ड के बारे में। तो आप यहाँ से हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड देख सकते हैं। टमी बेमाउंट 42 का एवरेज रखती हैं ODI में। उसके बाद एमी जॉन्स हैं, 25 का एवरेज है इनका। उसके बाद डैनियल वाट की बात करें, 22 का एवरेज इनका है। 93 मैच की 32 इनिंग में 27 विकेट भी हैं। वैसे दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने इससे पहले जो मैच कवर किया था उसमें हर एक प्लेयर के बारे में बताया था। तो अगर आप लोग इनके स्टार्ट एंड रिकॉर्ड देखना चाहें तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक प्लेयर का यहां पर रिकॉर्ड है। डैनियल वॉट की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनका 22 का एवरेज है। उसके बाद इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्मा लैम्ब है, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेला, पर उससे पहले 2 मैच खेले हैं जिसमें 1 इनिंग में सिर्फ 0 रन बनाए थे। तो 2 मैच से इनको हम जज नहीं कर सकते, पर प्लेयर काफ़ी अच्छी है। उसके बाद नेटला सेसिवन है, 89 मैच खेले इन्होंने ODI इंटरनेशनल के, 79 इनिंग में 2711 रन है, 41 का एवरेज है। 89 मैच की 79 इनिंग, 59 विकेट है। तो इसी तरह आप सब हर एक प्लेयर का यहाँ पे देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक करके अगर आपको बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पर सॉरी दोस्तों, जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी फर्स्ट ODI की, उसमें हर एक प्लेयर के बारे में आपको बता दिया था, पर आप लोगों को अगर फिर से देखना हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो दोस्तों अब यहाँ से आप बॉलिंग बैटिंग हर एक प्लेयर का यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन की प्लेइंग एलेवन के बारे में। तो यहाँ से इनकी प्लेइंग एलेवन देखेंगे तो यहाँ से लोरा वॉलवर्डेट ओपन करेंगी, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेला, 43 बनाए और प्लेयर भी अपने टीम की मेन प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। उसके बाद एंड्री स्टेन है, लास्ट में 14 बनाए, प्लेयर ये भी ठीक ठाक हैं, अभी आपको आगे रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा। उसके बाद लारा गुडॉल है, लास्ट मैच में इनको मौका मिला, 5 बनाए। उसके बाद सुने लूस हैं, कप्तान है अपने टीम की, 7 बनाए, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की पर ये बॉलिंग भी करती हैं। उसके बाद मरजीना कैप की बात करें, 12+1 विकेट इनको मिला लास्ट में, तो ये भी मेन अपने टीम की मेन ऑलराउंडर हैं। उसके चॉर्ले ट्रायोन है, इन्होंने लास्ट में काफ़ी अच्छा खेला, 88 रन बनाए पर इनको बॉलिंग नहीं मिली, पर ये भी बॉलिंग करा लेती हैं कभी कभी, तो ये भी अच्छी पिक रहेंगी। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे नेडली डी क्लर्क है, तो इनकी बात करें तो 38+2 विकेट इनको मिले लास्ट में। उसके बाद त्रिशा चेट्टी इनकी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लास्ट में 1 बनाया। उसके बाद अबोंगा खाका है अपने टीम की मेन बॉलर हैं, 0+1 विकेट। उसके बाद टमी शकून है, 1 विकेट इनको मिला। उसके बाद यहाँ पे मलबा है, इनको 0 विकेट मिला। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ से सबनी मिशमॉल लास्ट मैच में नहीं खेली, अगर खेलती है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, तो फिर मैं आपको आगे बता दूंगा लेना है या नहीं, पर फिलहाल अभी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप इनके अब रिकॉर्ड देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका वुमेन के हर एक प्लेयर का यहाँ पे रिकॉर्ड आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। विकेट कीपिंग में आप देख सकते हैं 28 का एवरेज देख के चलें आप, एवरेज से आपको समझ में आ जाएगा, 131 मैच, 110 इनिंग, 2679 रन हैं, 28 का एवरेज है, तो एवरेज तो ठीक ठाक है इनका भी। उसके बाद सिनालो जाफ्ता हैं, अगर ये खेलती हैं तो आप देख सकते हैं 13 का एवरेज रखती हैं ओडीआई में, तो उतनी अच्छी ऑप्शन रहेंगी नहीं ये। उसके बाद बैटिंग में बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं लिजी ली है, अगर खेलती हैं तो अपने टीम की मेन प्लेयर हैं, 36 का एवरेज है इनका भी, 100 मैच खेल चुकी हैं ओडीआई के, तो अनुभवी है। उसके बाद एंड्री स्टेन है, इनकी बात कर रहा था मैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 36 मैच खेले हैं, 35 इनिंग में 884 रन, 27 का एवरेज, तो अच्छी प्लेयर हैं, ओपन भी कर रही हैं, तो आप ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद अनिका बोस हैं, 9 मैच 6 इनिंग, 112 रन, 22 का एवरेज। लोरा वॉलवर्डेत 77 मैच 76 इनिंग, 3039 रन, 45 का एवरेज, तो अपने टीम की सबसे अगर कोई अच्छी प्लेयर है तो वो यही है। उसके बाद लारा गुडॉल की बात करें, 40 मैच 34 इनिंग, 686 रन, 23 का एवरेज, तो इसी तरह आप हर एक प्लेयर का यहाँ पे देख के चलें, यहाँ पे ऑलराउंडर का रिकॉर्ड है हर एक प्लेयर का है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉलिंग का है तो आप इसी तरह देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से हम हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, दोनों टीम की हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे। तो यहाँ से पहले हम इंग्लैंड वुमेन की बात करते हैं, तो यहाँ से इनका देख के चलें, हेड टू हेड एंड वेन्यू रिकॉर्ड है यहाँ पे, दोनों मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टमी बेमाउंट 8 मैच खेले हैं साउथ अफ्रीका वुमेन के खिलाफ, जिसमें 445 रन बनाए, 55 का एवरेज है, तो काफ़ी बेहतरीन रिकॉर्ड है। लास्ट मैच में जरूर 1 रन पे आउट हुई पर प्लेयर काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद वेन्यू की बात करें तो इस वेन्यू पे भी 6 मैच खेले हैं, 385 रन, 96 का एवरेज, तो काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं, इनको आप जरूर लेके चलें। उसके बाद सोफिया डंकली है, 3 मैच 108 रन, 36 का एवरेज, तो इनका भी ठीक ठाक है। इस वेन्यू पे कुछ खास नहीं है, 2 मैचों में सिर्फ 5 रन है, 5 का एवरेज है। उसके बाद नटिला सिसिवन है, 8 मैच 116 रन, 16 का एवरेज, 8 मैचों में 7 विकेट भी हैं हेड टू हेड में। वेन्यू पे 7 मैच 113 रन, 18 का एवरेज, 7 मैचों में 9 विकेट भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको तो लेके चलना ही चलना है। उसके बाद हैदर नाइट, 12 मैच 344 रन, 49 का एवरेज, इनका भी हेड टू हेड में। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी करा लेते हैं, तो 12 मैच में 9 विकेट भी लिए हैं साउथ अफ्रीका वुमेन के खिलाफ, पर अभी जो लास्ट मैच हुआ उसमें बॉलिंग नहीं कराई थी। उसके बाद वेन्यू की बात करें तो 7 मैच 266 रन, 44 का एवरेज, 7 मैचों में 6 विकेट भी हैं, तो इनका वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद डैनियल वॉट हैं, तो आपसे आप इनका देख सकते हैं, 11 मैच 232 रन, 38 का एवरेज, 11 मैचों में 4 विकेट भी हैं इस वेन्यू पे, 2 मैच 30 रन, 30 का एवरेज है, जिसमें बॉलिंग नहीं डाली इन्होंने, तो ये रिकॉर्ड है इनका। उसके बाद सोफिया डंकली हैं, इनका आप देख सकते हैं लास्ट मैच में 1 डाउन आई थी, 3 मैच 108 रन, 36 का एवरेज है, 2 मैच में 5 रन, 5 का एवरेज। ईमा लैम्ब हैं, लास्ट मैच खेली जिसमें एक ही मैच खेला है जो लास्ट वाला खेला था, जिसमें शतक लगाया, तो इनका एवरेज, सॉरी दोस्तों, एवरेज 10 का हो लिख दिया मैंने, पर 100 का एवरेज है इनका जो लास्ट मैच खेला उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करें तो अभी इन्होंने एक ही मैच खेला है तो उससे हम इनको जज नहीं कर सकते। उसके बाद बात करें वेन्यू की, तो इस वेन्यू पे इन्होंने इस वेन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है। तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एमी जॉन्स, 9 मैच खेले हैं, 212 रन, 30 का एवरेज। इस वेन्यू की बात करें तो 3 मैच 2 रन, 1 एवरेज, तो इस वेन्यू पे कुछ खास नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे सोफी एस्केटोन है, 6 मैच 12 विकेट हेड टू हेड इस वेन्यू पे, 2 मैच 5 विकेट, तो इनको लेके चलना ही है, मैन बॉलर है। उसके बाद कैथरीन रून 11 मैच 141 रन 28 का एवरेज, 11 मैचों में 10 विकेट भी हैं इस वेन्यू पे देखेंगे तो 7 मैच 139 रन 24 का एवरेज, 7 मैच में 6 विकेट भी हैं इस वेन्यू पे। उसके बाद यहाँ पे सी डीन है जिनके बारे में मैं बोल रहा था आपको, अच्छी हैं, 3 मैच 3 विकेट 1 मैच 1 विकेट इस वेन्यू पे। केट क्रॉस की बात करें 4 मैच 3 विकेट 3 मैच में 3 विकेट वेन्यू पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ से साउथ अफ्रीका वुमेन की, तो यहाँ पे इनका देख सकते हैं एंड्री स्टेन 2 मैच खेले हैं 2 एट 33 रन बनाए, 16 का एवरेज, वेन्यू पे खेला नहीं है। लोरा वॉलवर्डित 11 मैच 411 रन 41 का एवरेज हेड टू हेड इस वेन्यू पे भी, 2 मैच में 133 रन 66 का एवरेज है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो यहाँ से लारा गुडाल हैं, 2 मैच 33 रन 16 का एवरेज इस वेन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है, तो आप इनको जीएल में ही ट्राई करें। उसके बाद यहाँ से सुनील लूश हैं, 11 मैच 150 रन 16 का एवरेज, 11 मैचों में 4 विकेट भी हैं। उसके बाद वेन्यू पे बात करें तो 2 मैच खेले हैं 43 रन 43 का एवरेज, 2 मैच में 2 विकेट हैं। उसके बाद मरजीना कैप, यहाँ से आप हर एक प्लेयर का देख सकते हैं, 12 मैच खेले हैं 155 रन बनाए 15 का एवरेज, तो बैटिंग से कुछ खास नहीं है पर बॉलिंग में आप देखेंगे तो 12 मैच में 19 विकेट हैं इस वेन्यू पर, 2 मैच 4 विकेट। अब बात कर रहे हैं यहाँ से चॉली ट्राइगोन की, लास्ट मैच में अच्छा खेला, 12 मैच 227 रन इनके हेड टू हेड में, 22 का एवरेज है, 12 मैच में बॉलिंग की है जिसमें 6 विकेट भी हैं, 2 मैच इस वेन्यू पर खेले हैं, 55 रन है 27 का एवरेज, बॉलिंग इस वेन्यू पर डाली नहीं है। उसके बाद नेडेला डी क्लर्क हैं, 1 मैच 38 रन, जो लास्ट वाला खेला था वही खेला है, 38 का एवरेज, 1 मैच में 2 विकेट भी हैं, इस वेन्यू पर भी खेला नहीं है। उसके बाद त्रिशत चेट्टी हैं, 9 मैच 250 रन 35 का एवरेज इस वेन्यू पर, 2 मैच 21 रन 10 का एवरेज, तो कुछ खास नहीं वेन्यू पे, कुछ खास नहीं है पर हेड टू हेड में ठीक ठाक है। उसके बाद टमी सकूने हैं, 1 मैच 1 विकेट इस वेन्यू पे इन्होंने अभी खेला नहीं है। अबंगा खाका 10 मैच 13 विकेट इस वेन्यू पे, 2 मैच 2 विकेट। मनुकुलो मलबा हैं ये, तो इनका आप देखेंगे तो अभी इन्होंने खेला नहीं है हेड टू हेड में। तो दोस्तों जो प्लेयर बैटल मिला मुझे वो एक ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो वही मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमी बेमाउंट वर्सेस मरजीना कैप में, तो 18 बॉल खेली हैं यहाँ पर मरजीना कैप की टमी बेमाउंट ने, जिसमें सिर्फ 9 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुई हैं, तो यही एक रिकॉर्ड मुझे अच्छा लगा प्लेयर बैटल का, वही आपके लिए लेके आया हूँ। उसके बाद अब सीवीसी ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ से, तो जो स्मॉल लीग के लिए जो सेफ ऑप्शन है वो यहाँ से नटिला शिशिवर ये रहेंगी सीवीसी की ऑप्शन। उसके बाद मरजीना कैप हैं, लोरा वॉलवर्डित हैं, हैदर नाइट हैं, टमी बेमाउंट है, तो आप इनमें से ही सीवीसी रखें स्मॉल लीग में, वही सेफ रहेगा। जो रिस्की, जो आप अगर आप लोग ग्रांड लीग खेलते हैं तो फिर आप यहाँ से बना सकते हैं, सोफिया डंकली, ईमा लैम लास्ट मैच में अच्छा खेला, सी ट्रायोन बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे सकती हैं। उसके डेनियल वॉट, अगर इनकी बैटिंग, अगर इनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन कॉलेप्स करते हैं तो फिर ये भी काफ़ी अच्छा करके दे सकती हैं। उसके बाद कैथरीन ब्रुंट है, अपनी टीम की मेन बॉलर है, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तो फिर ये डेथ में भी आती हैं। उसके बाद सोफी एस्केटोन, ये भी काफ़ी अच्छी बॉलर हैं, स्पिनर हैं, पर इनकी टीम इनको डेथ में भी बॉलिंग देती है, तो ये अच्छी रहेंगी, इनको आप जीएल में ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों अब अपनी टीम के बारे में बात, अपनी टीम देखते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि टॉस के बाद फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो चलिए अब अपनी टीम के बारे में बात कर लेते हैं, टीम देखेंगे अपनी। तो दोस्तों आप लोग जब विकेट कीपिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे जो खेलने वाले हैं, यहाँ पर एमी जॉन्स, त्रिशा चेट्टी, एस जाफ्ता अभी खेलेंगे नहीं तो उनके बारे में बात करते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल लीग के लिए जो सेफ ऑप्शन है वो यहाँ से एमी जॉन्स ही रहेंगे, तो इनको ही लेके चलें। त्रिशा चेट्टी को अगर आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, पर फिलहाल के लिए मैंने एमी जॉन्स को ही लिया है। उसके बाद यहाँ पे बैटिंग में बात करें तो हैदर नाइट मस्ट पिक रहेंगे, इनको लेके चलें। टमी बेमाउंट भी मस्ट पिक रहेंगे, लास्ट मैच के बेस के, लास्ट मैच के परफॉर्म के हिसाब से लोग इनको ड्रॉप कर रहे हैं, पर मैं आपसे बोलूँगा आप इनको लेके चलें, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं। उसके बाद लोरा वॉलवर्डित है, ये भी मस्ट पिक रहेंगी, तो इन तीनों के तीनों को ही लेके चलें। उसके बाद डी वॉट है, इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आ रही है तो आप इनको जीएल में ट्राई करें। उसके बाद ए स्टैन है, अगर आप लोग थोड़ा अलग करना चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं, प्लेयर काफ़ी अच्छी हैं, जो डोमेस्टिक मैच होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है, पर फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है। उसके बाद यहाँ पे लारा गुडॉल हैं, इनको जीएल में ट्राई करें, ये बॉस खेलती हैं तो इनको भी आप जीएल में ही ट्राई करें। उसके बाद ई लैम्ब हैं, अगर आप लोग लास्ट मैच के परफॉर्म के हिसाब से अगर आप इनको लेना चाहें तो ले सकते हैं, लास्ट मैच में 100 लगाया, काफ़ी बेहतरीन पारी खेली, पर फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है,
पर हो सकता है मैं फाइनल टीम में इनको ले जाऊं, फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया। उसके सोफिया डंकली हैं, लास्ट मैच में वन डाउन बैटिंग करने आई, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती हैं। आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं, पर फिलहाल मैंने नहीं लिया है। अब यहाँ पे ऑलराउंडर की बात करते हैं तो नेटेला सिसिवर मस्ट पिक, मर्जीना कैफ भी मस्ट पिक, उसके बाद कैथरीन ब्रूंट भी मस्ट पिक, तो तीनों के तीनों को लेकर चलें। उसके बाद यहाँ से सुनील लूस भी प्लेयर, ये भी काफ़ी अच्छी हैं, पर ये रिसेंट में बॉलिंग नहीं करा रही हैं, लास्ट मैच में इन्होंने लास्ट मैच में भी बॉलिंग नहीं कराई, तो फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है। उसके बाद सीड ट्रायोन है, लास्ट मैच में काफ़ी बेहतरीन पारी खेली, 88 रन की शायद, तो दोस्तों आप लोग ट्राई करना चाहें तो इनको भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है। उसके बाद ए डेविड रिचर्डसन है, अगर खेलती भी है तो आप जीएल में ही ट्राई करें, इन दोनों को स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे ऑप्शन रहेंगे नहीं। उसके बाद बॉलिंग की बात करें, सोफी एक्सटोन मस्ट पिक, इनको लेके चलें, अगर सबनी स्मॉल खेलती हैं तो फिर हम इनको भी लेंगे, पर फिलहाल के लिए अभी कंफर्म नहीं है खेलेंगी या नहीं, तो फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है। उसके बाद एक खाका भी मस्ट पिक रहेंगी, तो आप इनको लेके चलें, सॉरी मस्ट पिक नहीं, अगर आप लोग ड्रॉप करना चाहें तो इनको कर सकते हैं, पर एक अच्छी प्लेयर है, फिलहाल के लिए मैंने लिया इनको। उसके बाद एंडी क्लर्क हैं, ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट दे सकती हैं, तो इनको भी लेके चले। लास्ट मैच में 9 ओवर की बॉलिंग भी कराई, तो ओवर बॉलिंग भी पूरी करा रही हैं, तो और लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग कराई, तो फिर से पूरे ओवर कराने के चांस भी रखती हैं, तो फिलहाल के लिए मैंने इनको भी लिया है। उसके बाद कैट क्रॉस हैं, मैं इनको भी लेना चाहता था, पर मेरे पास क्रेडिट मैनेज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से सी डीन को लिया है, पर अगर क्रेडिट हो, जिस साइड पे आपके पास क्रेडिट हो वहाँ पे सी डीन की जगह इनको ले लेना, ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, ये बैटिंग भी कर लेते हैं। उसका टी सैकनो है, आप इनको जीएल में ही ट्राई करें, एन मलबा को भी आप जीएल में ट्राई करें, एम क्लास खेलती हैं तो ये ठीक ठाक है, पर फिलहाल के लिए खेल नहीं रही हैं तो इनके बारे में अभी हम बात करते नहीं हैं। उसके बाद बात करें तो सी डीन अच्छी प्लेयर है, मैंने इनको लिया है फिलहाल, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे सी डीन की जगह पे यहाँ से आप ई लैम्ब को भी ले सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ ये चेंज, पर फिलहाल के लिए मैं सी डीन के साथ ही गया हूँ। उसके बाद एल बेल खेलती हैं तो आप जीएल में ट्राई करें, आई वॉन्ग खेलती हैं तो इनको भी जीएल में ही ट्राई करें। तो फिलहाल के लिए जो मेरी टीम बन रही है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे मैंने अपनी कप्तानी एन सिसिवर को दी है, वाइस कप्तानी मर्जीना कैप को दी है, जो आपके पास अदर ऑप्शन है वो यहाँ से टमी बेमाउंट रहेंगी, अगर आप लोग बनाना चाहें तो बिल्कुल इनको भी बना सकते हैं, अच्छी प्लेयर है, लास्ट मैच में जरूर 1 रन पे गई, पर ये भी काफ़ी बड़ा स्कोर करने का दमखम रखती हैं। उसके बाद सोफी एस्कटोन है, ये भी अच्छी ऑप्शन रहेंगी सीबीसी की, तो आप लोग इन चारों में से ही किसी को भी बनाएं, स्मॉल लीग के लिए वही सेफ रहेंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एन सिसिवर मर्जीना कैप को बनाया, अगर कुछ भी चेंज होगा तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।